हेलो एवरीवन, हियर इज नंबर वन क्वेश्चन फ्रॉम CSIR नेट जून 2017 फिजिकल साइंस. सो वी आर ओनली डिस्कसिंग द मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल 3x3 मैट्रिक्स का वो आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है ना. दीज आर द ऑप्शंस गिवन. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रियल है, मैट्रिक्स रियल है मतलब कि इसका एलिमेंट्स रियल है, तो क्या होगा, देन द कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज ऑलवेज ऑकर्स विथ इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. यानी कि अगर आयोटा होगा तो इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट माइनस आयोटा भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना. आइगन वैल्यूज अगर आयोटा होगा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो देखो यहाँ पे इन ऑप्शन ए पे चेक करो आप, यहाँ पर क्या है, 2i है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट माइनस 2i इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. ये वाला सब रियल है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. नेक्स्ट देखो सी में e टू द पावर आयोटा थीटा, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, सो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा. बट इन ऑप्शन डी आप लोग देखो, यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पार्ट है दैट इज़ माइनस आयोटा इज मिसिंग. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, राइट. ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल 3x3 मैट्रिक्स. ओके, देखो आप इससे ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक इसका जो हमारा जो मैट्रिक्स है दैट इज़ रियल, दैट मीन्स इसका एलिमेंट्स भी क्या है, रियल है. यानी कि हम बोल सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो, लेट सपोज द मैट्रिक्स इज ए, तो उसका जो ट्रेस होगा वो भी रियल होगा. आपको पता होगा ट्रेस क्या होता है, दैट इज़ द सम ऑफ आइगन वैल्यूज. तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे एज इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, सो वी हैव 3 आइगन वैल्यूज़. तो इन तीनों का सम भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए. वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स भी वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए. डिटर्मिनेंट मतलब कि दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑल्सो रियल, राइट. तो हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे जो इस कंडीशन को आप में सेटिस्फाई कर रहा होगा, दैट इज़ A sum of eigenvalues equals to real and also product of eigenvalues equals to real. देखो तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दिस वन, 2i 0 माइनस 2i, तो इसका हम सम करेंगे रियल आएगा, प्रोडक्ट भी करेंगे वो भी रियल आएगा. ऑप्शन बी भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, उसका सम भी रियल आ रहा है, प्रोडक्ट भी रियल आ रहा है ना. लेकिन आप देखो ऑप्शन डी में क्या था, आयोटा 1 0 था. इन तीनों का सम हमें क्या दे रहा है, कम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, 1 + iota, है ना, रियल नहीं आ रहा है. तो ये हमारे जो चाहिए था हमें वो नहीं दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द केस और दिस इज़ आवर आंसर. ओके, सो ये था नंबर वन क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर 2 देखेंगे. थैंक यू.